The fact that I'm here, very quickly, firstly, congratulations to all parents and the children who are here for the fact that your dream and aspirations of life were fulfilled thanks to Bloom, IVF and Fortis. I'm very happy for you because, you know, you have children who you will give the very best to, and this country has got a new generation that is going to serve this country in times to come. I would like to welcome Mr. Rahul, Secretary Health, Government of Punjab, Dr. Pai, Nandita, Pooja, the entire team from Bloom IVF, and I'd like to thank you. I would like you to know that this has been an excellent collaboration over the years, and we look forward to partnering with you in years to come as well. Wishing all of you the very, very best. Thank you. Before the child, it was very different. Now it's very different. And I'm very happy that we use technology. जब हमने 25 साल पहले चालू किया था तो सक्सेस रेट सिर्फ 15% था और आज इतनी टेक्नोलॉजी सब कुछ बढ़िया हो गया है कि द सक्सेस रेट टुडे इज 50-60% एंड आप देख सकते हो कि इतने सारे प्यारे बच्चे यहाँ हैं. सो वेलकम एंड एंजॉय एंड थैंक यू द फोर्टिस ब्लूम फैमिली जो यहाँ आई है, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप हमारे लिए सेलिब्रेशन के लिए आए. And we're really happy. And special mention of Avinash, I think he's really worked very, very hard to create this program. Kal raat se bichara 2 baje se yahi par hai. So thank you, friends. Thank you very much. And thank you for this family for accepting us in your fold and you know, supporting us. Thank you. अच्छा, तो जैसे IVF टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कैसे पता चला? ये मैम, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, रोटा का एक्सीडेंट हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे जो है फर्स्ट में ट्रीटमेंट कर दिया गया है, तो उधर जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है IVF एक टेक्निक है जिससे जो है स्पाइन कॉर्ड इंजरीज की हो जाती है, स्पाइन कॉर्ड इंजरीज की हो जाती है, तो उसको भी मतलब बच्चा आराम से हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. आपकी शादी को कितना समय हुआ? मेरी जब मुझे चोट लगी थी तो मेरी शादी को हुआ 6 महीने. 6 महीने हुए थे, उसके बाद मतलब कंसीव करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम रहेगी, तो आपने ये टेक्नोलॉजी उसके 6 महीने के बाद ही? नहीं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो है जब ट्रीटमेंट 1.5 साल में उधर से पूरा हुआ, ठीक है, स्पाइन कॉर्ड इंजरी का जी, उसके बाद जब मैं घर आया तो मैं जो है वैसे तो मैंने नेट पर बहुत ये देखे IVF सेंटर, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल सेंटर में उधर जो फर्स्ट कंसल्टेशन जो है मेरी डॉक्टर पूजा मेहता से, अच्छा, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगता है कि ऐसे ऐसे करके होता है और इसका सक्सेस रेट जो है इतना जो है, और भी मैंने देखा तो इसका ब्लूम सेंटर फोर्टिस का जो है सक्सेस रेट जो है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था. आपका बच्चा कितने साल का है? 4.5 साल. 4.5 साल का. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद? बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आगे लोगों को रिकमेंड करते हैं ये टेक्नोलॉजी? कितनी कॉस्टिंग रहती है इस टेक्नोलॉजी की? 1,20,000. तो आपके लिए इजी था इतना पे करना? Hi, I'm Dr. Nandita Palshetkar, President of the Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India, and I'm also the Director of the Bloom IVF at Fortis Mohali. जब हम पहली बार आए थे तब बहुत सारे पेशेंट्स बॉम्बे आते थे हमारे पास लीलावती हॉस्पिटल में, तब हमने डिसाइड किया कि पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए हमें मोहाली जाना चाहिए. एंड मोहाली आके हम बहुत खुश हैं क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में बहुत एडवांसेस, बहुत सारा प्रोग्रेस हो चुका है और हमने यहाँ बहुत हज़ारों बच्चे दिए हैं लोगों को. एंड ये जो IVF है, इन लोगों को बहुत
उपयोगी पड़ता है जिनको इसकी ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं 25 साल पहले चालू किया था IVF तब सक्सेस रेट हार्डली 10-15% था, बट अभी इट इज़ 50-60% प्रेगनेंसी रेट एंड लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। हमारे पास अभी जो पेशेंट्स आते हैं एक्चुअली वो रिपीटेड फेलियर वाले आते हैं कि बहुत बार फेल हो चुके हैं IVF बाहर और फिर हमारे यहाँ आते हैं। हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, ICSI, M.Sc वगैरह, यू नो सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र, ऐसी टेक्नोलॉजी से हम उन्हें बच्चा देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये बच्चे देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 10 साल में हमने इतना प्यार और इतना हैप्पीनेस स्प्रेड किया है। मैम, टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि कैसे ये काम करती है बेसिकली ये टेक्नोलॉजी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उस आपको याद रखना चाहिए कि जितनी उम्र लड़की की कम होगी उतना ही उसका सक्सेस रेट अच्छा होता है। सो सपोजिंग टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया क्या है, हम दवाई देते हैं 10 दिनों के लिए, फिर सोनोग्राफीज करते हैं 4 या 5, उसके बाद वो लड़की एडमिट हो जाती है मोहाली में फोर्टिस में, फिर हम उसे एनेस्थीसिया या भून दे के सुई डाल के सब 10 संडे बाहर निकाल देते हैं। तो ये अंडे फिर हम लेबोरेटरी में देते हैं जो बिल्कुल बाजू में ही है, और ये लेबोरेटरी में फिर स्त्री बीज और जो शुक्राणु है उसका मिलन किया जाता है। हम टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए मतलब ICSI एक मशीन होता है माइक्रो मैनिपुलेटर जहाँ एक अंडा लेते हैं, एक स्पर्म लेते हैं और वो इंजेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ ICSI जिससे बच्चे हम तैयार कर सकते हैं। और फिर ये जो इसे बोलते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो, फिर ये एम्ब्रियो हम थैली के अंदर छोड़ देते हैं। इस प्रोसीजर को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। और फिर 15 दिन के बाद हमें पता चलता है लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं। जैसी मूवी आ रही है गुड न्यूज़, उसमें मिक्सिंग ऑफ यू नो एम्ब्रियो, यस सी ये तो डर रहता ही है हर एक यूनिट का, बट हर एक यूनिट स्टेप्स देती है। लाइक हमारे यूनिट में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन किट होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तुम्हारा है। दूसरी चीज़ है दो दो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, तो हर एक स्टेप पे दो लोग सिग्नेचर करते हैं कि हमने ये इसका ही लिया है। सो ये डबल विटनेसिंग भी एक सिस्टम है, सो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट इट सो मच, बिकॉज स्टेप्स आर ऑलरेडी टेकन इन द लेबोरेटरी टू टेक केयर कि ये मिक्सअप ना हो जाए। हाय, आई एम डॉक्टर नंदिता पालशेटकर, प्लीज़ टू वॉच माई इंटरव्यू ऑन विजन न्यूज़, डू शेयर लाइक और सब्सक्राइब।